Hey guys, very good morning. Welcome back to my other new vlog. सुबह यहाँ पे अभी फिलहाल हूँ मैं. एक्चुअली कोलकाता जो है वो सिटी का नाम है, वेस्ट बंगाल जो है स्टेट का नाम है, क्योंकि इंडिया का एक ब्यूटीफुल स्टेट है जिसको और भी बोलते हैं कि कोलकाता को बोलते हैं कि द सिटी ऑफ जॉय. ये जगह को एक्सप्लोर करने के लिए मैं भी फिलहाल मेरे यहाँ पे नानी घर आया था. मैं वहाँ पे तो ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने, यहाँ का जो नेचर है वो दिखाने के लिए सोच रहा हूँ. इतना ब्यूटीफुल है ना, यहाँ से मैं सोच रहा हूँ अभी ये जो है ना दीघा एक जगह है जो कि वेस्ट बंगाल का टूरिस्ट स्पॉट है. यहाँ से अभी कलकत्ता जाने वाली ट्रेन आ रही है तो यहाँ से मुझे चढ़ के जाना है. यहाँ का ट्रेन का जो भी फेयर वगैरह है मैं दिखाऊंगा, इससे पहले यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ. वहाँ पे आके टिकट काउंटर है छोटा सा, इतना छोटा टिकट काउंटर में कभी जिंदगी देखा ही नहीं है. वहाँ से टिकट लेता हूँ. तो ये रहा है टिकट 35 रुपीज़ का. जो भी मैंने टिकट दिखाने के बाद ना, जो कि मैं आपको छोटा सा रूम दिखाया वो था टिकट काउंटर. वहाँ पे खटिया वगैरह लगा रखा है, मतलब वहाँ पे बिस्तर लगा हुआ है, छोटा सा है ना, बहुत मतलब प्रोविंस साइड में, विलेज साइड में. ये रहा यहाँ का प्लेटफॉर्म. और यहाँ का एक चीज़ बहुत अजीब सा लगा मुझे यहाँ पे, जो कि है जो ट्रेन की पटरी ना सिंगल ही है. मतलब कोई अगर कलकत्ता से दीघा आ रहा है तो सेम पटरी है, और रिटर्न जाते टाइम भी सेम पटरी है. आई थिंक उन लोगों का सिग्नल रहेगा या फिर टाइमिंग का जो भी रहेगा तो लोग एडजस्ट कर लेते होंगे. पर एक ही पटरी है और ट्रेन ज़्यादा नहीं जाने की वजह से लोग इतना चमक नहीं रहे पटरी देखो, बाकी की पटरी सारे चमकते हैं ना इसलिए. अभी ना हो गया, टाइम हो गया सुबह के 6:05, मतलब अभी और 5-10 मिनट में ट्रेन आ रही होगी. और सुबह सुबह मैंने इतने सुबह सुबह व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे सुबह जाना था, क्योंकि धूप के टाइम में जाने में बहुत दिक्कत होती है. और यहाँ का जो भी नेचर क्रिएटेड चीज़ है ना, लाजमी आपको देख के ना बहुत मज़ा आ जाएगा. मतलब मैं तब से बस नेचर एंजॉय कर रहा हूँ. यहाँ पे जो पैडी फील्ड है बाजू में, यहाँ पे सारे लोग चावल उगाते हैं. ये देखो, और वहाँ पे ना कहीं तो धुआं आ रहा है, पता नहीं आग लगी हुई है कुछ तो, कारखाने का काम हो रहा है. यहाँ पे ना मैं इतना आराम से बात कर रहा हूँ इसलिए कि भी ऐसा जो आजू बाजू में जो लोग घूम रहे हैं ना, उन लोग को ये नहीं फील करा रहा हूँ कि ऑकवर्ड फील करें, क्योंकि ये लोग इतना अपडेटेड, ये लोग मतलब मेरे ही सारे यहाँ पे इतना जो नेटिव, मतलब मेरे नेटिव ही यहाँ का है, पर ये लोग इतना सोचते नहीं है, इतना अपडेटेड इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि लोग पता नहीं ब्लॉगिंग क्या है. शायद ज़्यादातर लोगों को ऐसा नहीं है, सबको नहीं पता. और मतलब ऐसे ब्लॉग करना, कोई विलेज में आके ऐसे कोई शूट नहीं करता है ना, इसके लिए. बारिश हो रही है यार धीरे धीरे. मेरे फ़ोन के स्क्रीन पे आया ना, मैंने तभी देखा. मुझे ना एक छतरी लेके घर से निकलना चाहिए था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है अभी, अब लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा होगा पर मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है, तो मेरे को फील भी हो रहा है. और आज ना बहुत भीड़ होने वाला लग रहा है ऐसा, बहुत जन आ रहा है आगे पीछे से भी. और मैं ये सोच रहा हूँ कि बस 35 रुपीज़ ले, इतना चीप है देखो, बहुत 4 घंटे का सफ़र है, बस 35 रुपीज़. Please put your foot board and lift your brother.
सो गाइस अभी पहुंच गए यहाँ पे ना पांचपुरा स्टेशन, जहाँ से ना जो कि जंक्शन है जहाँ से ट्रेन पटरी चेंज करती है, जिस डायरेक्शन पे आती है ट्रेन उसके अपोजिट डायरेक्शन पे फिर से चलती है, फिर कोई पटरी चेंज करके ना कोई दूसरा मतलब सतरागाछी जो हावड़ा की तरफ मैं जा रहा हूँ, हावड़ा की तरफ जा रही है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे वेट करेगी गाड़ी 15 से 20 मिनट। मैं बस फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट टाइम नहीं, अब लोग को एक्सपीरियंस करा रहा हूँ कि इंडिया की जो ट्रेन सिस्टम है वो कैसे चलता है। अभी तो फिलहाल ये स्टेशन में पूरे के पूरे पब्लिक उतर गए, क्योंकि 15-20 मिनट कोई वेट नहीं कर रहा है। जो यहाँ पे बोला ना ब्रेक लेकर जो ट्रेन, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरी ट्रेन पकड़ के ना बस ट्रेन चेंज करके फास्ट जा रहे हैं वो लोग, 15-20 मिनट सेव कर रहे हैं दूसरे ट्रेन, बस बाजू के पटरी में दूसरी ट्रेन खड़ी है हावड़ा जाने के लिए, वो ट्रेन चेंज कर जा रहे हैं वो लोग। ऐसा है फंडा, और अंदर का जो भी नज़ारा दिखा रहा हूँ, और उससे पहले जो बच्चे आप देख रहे थे ना वो बहुत ही शरारत थे, मतलब पूरा ट्रेन ने मैंने हंस हंस के मैंने बैठा नहीं, मैंने यहाँ पर सीट है मैंने पीछे बैग रखा है, पर जो ये गेट के बाजू में ना ऐसे खड़ा होना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये स्टेशन मास्टर का आई थिंक ये ना इस टाइप इस तरफ का स्टेशन है, इस तरफ दूसरा स्टेशन है, जैसे ईस्ट साइड वेस्ट साइड होता है ना वैसा साइड से। ट्रेन अभी फिलहाल खाली हो गया पूरा। कृपया स्टेशन परिसर के अंदर यात्रियों से वहाँ पे छोटा मोटा शॉप है, और ऐसे भी हॉकर लोग यहाँ पे ट्रेन पे चढ़ते हैं, वहाँ से भी कुछ खरीद सकते हैं। ये देखिए ऐसा एक हॉकर आया था, अभी थोड़ा बैठे बैठे बोर हो रहा था इसलिए सोचा कि बाहर आके थोड़ा घूम लेता हूँ, सोचा कि थोड़ा वॉशरूम जाऊँगा उसमें, तो वॉशरूम में बहुत बड़ा लंबा लाइन पड़ा हुआ है, इतनी बड़ी लाइन। मुझे आगे वाली ट्रेन खड़ी है ना, एक्सप्रेस ट्रेन है, एक स्टैंड से दूसरा स्टैंड जाती है। ट्रेन में जाते जाते नेचर की खूबसूरती जो दिख रही है ना उससे मन भर रहा है मेरा, और बाकी का एक्सप्लोर तो बाद में करूँगा, पर अभी से मन भर गया मेरा। एक तो मतलब पेड़ वेड़ छू के जा रहा है ट्रेन के बाजू से, ये वाली जो गाड़ी है ना उसमें कोयला वगैरह तेल वगैरह जाता है। हम लोग यहाँ पे अभी सतरागाछी स्टेशन पहुँच गए, यहाँ से हम लोग को एक्चुअली मुझे ऊबर या फिर बाइक राइडिंग लेके जाना, आई थिंक पुलिस कट हो गए। अभी मैं ना स्टेशन से उतर के फ्लाइट
फ्लाईओवर पकड़ रहा हूँ, फ्लाईओवर से क्रॉस करके उस तरफ जाके हम लोग को बस लेना है या फिर जो भी ट्रैवलिंग के लिए जो उबर वगैरह जो भी थर्ड पार्टी टैक्सी लेना है वो ले सकते हैं लोग। पूरा सांस फूल रहा है पता नहीं क्या। और ऐसे वो जो अभी डॉग जा रहा था ना, आई थिंक वो लैब्राडोर ब्रीड का है, वही ब्रीड मुझे चाहिए मेरे घर में पालने के लिए। मैं ये ब्रीड को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये लोग बहुत शातिर होते हैं और आराम से ट्रेन हो जाते हैं इसके लिए। सब जगह जो यहाँ का ना, ये सेंटर है यहाँ का, ये सारे लोकल्स के यहाँ पे सेंटर है। दो रात से ना नींद सही से नहीं हुई है, इसके लिए ना बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ और अभी जाके ना थोड़ा आराम करना पड़ेगा मुझे। एक्चुअली दोस्त के लिए जा रहा हूँ पर उससे पहले पीछे बता रहा हूँ कि मैंने ना मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था पहले, ये सत्तर का जो स्टॉप है ना, मैं सबसे जब भी मैंने करियर का शुरुआत किया था ना यही स्टेशन पे, जब भी जिस तरफ मैं जा रहा हूँ उस तरफ मैंने एक मामा के पास साथ में जॉब करता था एक लेबोरेटरी में, तो मुझे पुरानी सारी यादें आ रही है। अब मतलब जो मुझे फील हो रहा है वो आपको तो बता नहीं सकते, बस मैं तो मेरी स्टोरी शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उस तरफ से आया जिस तरफ हम लोग जाना है और मैंने इस तरफ ही काम किया था जो पहले मैं बोला था। अभी तक मैं ट्रेन में चढ़ गया, सब लोगों ने मतलब ट्रेन में बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था कि मास्क पहन लीजिए, मास्क पहन लीजिए वरना फाइन हो जाएगा। आप लोगों ने वीडियो में अगर याद रहा होगा, आप लोग वीडियो जब जो भी देखा ट्रेन के अंदर की कोई मास्क नहीं पहनता, कोई भी नहीं, मतलब ऐसे बोल लो तो कि 1% शायद से पहना हुआ, वो भी शायद से नहीं है, मतलब कोई नहीं पहना। मैं अभी ना मुझे अच्छे मास्क नहीं मिला था, उसमें मैं भी खुद नहीं पहना था, इसलिए मैं मास्क में छूट गया हूँ मेरे रूम में, दूसरा वाला बैग है ना मैंने, ये वाला मैं मास्क में मुझे किसी से मिल गया अभी, तो ये पहन लिया अभी जा रहा हूँ। नसीब बोले तो इसके ना उसको ना देखो, मुझे भी आ रहा था बारिश हो रही थी बहुत तगड़ा, अभी यहाँ पे धूप आ रहा आ गया। अब अरे यार फिर से बारिश करना चलोगे, ये देखो थोड़ा बहुत पानी में शायद से मालूम पड़ेगा। मैं ट्रेन से उतर के ना 10 मिनट पिछले 10 मिनट से वॉशरूम ढूंढ रहा हूँ, अभी भी नहीं मिल रहा है। एक्चुअली भूल गया मैं लास्ट, मुझे ना अभी 10 साल पुरानी याद है, 10 साल पहले मैं यहाँ पर रहता था, पूरे सब कुछ बराबर से याद नहीं है। तो मुझे याद आया मैं जब भी एंट्रेंस है ना वहाँ पे वॉशरूम था, अभी जाता हूँ वहाँ पे है कि नहीं दिखता हूँ। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गया यहाँ पे, मेन स्टेशन जो है ना वो तोड़ रहा है अभी, ये देखो फिर से ये रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है इसका, यहाँ पे नए बिल्डिंग बन रहा है और ये देखो यहाँ पे छोटा सा झील जैसा, यार ये तो मस्त चीज़ है एकदम, मतलब बढ़िया तालाब जैसा लग रहा है ना। फाइनली पहुँच गए सभी, अभी स्टेशन से आ गए यहाँ पे मेन रोड पे, यहाँ से मुझे ना बाइक बुक करके जाना है यहाँ से, तो बाइक बुक करने के लिए मुझे ना रोड क्रॉस करना पड़ेगा, पर अंदर जो पानी है ये ब्रिज के नीचे से जाना पड़ता है, पर बहुत पानी है। तो गाइस आज था इतना ही बस, जो भी आप इंडियन ट्रेन्स के बारे में पता चला आपको, लोकल ट्रेन्स के बारे में और भी आपको ज़्यादा पता चलेगा, ये बस आपको वेस्ट बंगाल का जो भी कोलकाता जाने वाली जो ट्रेन है दीघा से उसका दिखाया मैंने। ये भी लोकल ट्रेन था, एक्सप्रेस नहीं था, तो उसके आजू बाजू का सारे मैं नेचर जो क्रिएट किया उसका जो ब्यूटी मैंने दिखाया और मुझे बहुत मज़ा आया उसका, आप लोगों को भी शायद से थोड़ा बहुत मज़ा आया होगा। और अगर मज़ा आ गया होगा तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं मुझे भी थोड़ा एक्सप्लोर करने दीजिए, मैं जितना खुद से एक्सप्लोर करूँगा उतना खुशी मिलेगी मुझे, है ना। बाय बाय।